हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने सेक्शन डी लेके आया हूँ। तो पहले हम लोगों ने तीन वीडियो में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आप लोग वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग सेक्शन डी डिस्कस करेंगे और ये मॉक टेस्ट है रुबेल सर अकेडमी के साथ जो लोग रेगुलर करते हैं लाइव 8:30 या 9 बजे के अराउंड मतलब करते हैं। सो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए 3-4 दिन है, सो आप लोग इस बीच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो प्रीवियस PDF है मॉक टेस्ट का, जो सॉल्यूशन वीडियो है, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशन PDF भी, साथ ही साथ जो ईबुक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे आप लोग पे करके इसका स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे यानी 9101467653 इस नंबर पे भेज देना, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ। सो देखिए सेक्शन डी जनरल नॉलेज, जैसे कि सबको पता है 10 मार्क्स का, मतलब इसमें मार्क्स 10 रहता है, क्वेश्चन भी 10 रहता है। सो डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के मतलब मैंने ये दिया है, सो आप लोग देख लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नंबर 41 यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उल्लास ऐप इज रिलेटेड टू, उल्लास ऐप ये किससे रिलेटेड है? देखिए एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नन ऑफ द अबव। सो देखिए कौन सा राइट आंसर है। देखो उल्लास ऐप जो रिलेटेड टू एजुकेशन है, याद रखना ये हमारे जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने मतलब लॉन्च किया रिसेंट एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। सो देखिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। सो देखिए एजुकेशन होगा, वुमेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, ऑप्शन डी नन, सो ये भी नहीं होगा। देखो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके आप लोग सब कुछ डेवलप कर सकते हैं, जैसे वुमेन डेवलपमेंट भी हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बेनिसगर ए विलेज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। सो रिसेंट एक एक्सकेवेशन हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब ये कौन से स्टेट का विलेज है। सो देखिए आसाम, झारखंड, त्रिपुरा, नन ऑफ द। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी झारखंड। सो उधर एक्सकेवेशन करके मतलब पुराने चीज़ें मिला है, सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से लिया है और उल्लास ऐप भी, ये भी करंट अफेयर से लिया है। सो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश। देखिए G20 मतलब कह सकते हैं हम लोग इस बार इंडिया में हुआ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो देखिए थीम भी आ सकता है और इसके एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है और कह सकते हैं कौन कौन सा मेंबर कंट्री है। सो देखिए ऑप्शन है 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 2000। सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 1999। सो देखिए G20 में 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, ध्यान रखना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट 2023, कह सकते हैं जो इंडिया में समिट हो रहा है। सो देखिए शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ऑप्शन बी फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, ऑप्शन सी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन डी मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब सब हमारे वसुधैव कुटुंबकम, ये भी आ सकता है। सो देखना वसुधैव कुटुंबकम इसका मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सब इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO। सो हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। सो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है ऑप्शन बी यानी जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, द इलस्ट्रेशन वर्क ऑफ द मेडिवल असम, असमिस टेक्स्ट हस्ती विदर्ना वॉज डन बाई। सो हस्ती विदर्ना, हस्ती मतलब क्या है, हाथी यानी एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में अच्छे से बोला गया इस बुक पे, इस टेक्स्ट पे, असमिस टेक्स्ट। सो किसने लिखा ये? सो देखिए चार ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी सुकुमार वड़काईत। क्वेश्चन नंबर 47, ह्यूएन संघ विजिटेड असम यानी कामरूप इन 1640, ये भी याद रखना कौन से साल में, मतलब कॉमन एरा जो 640 यानी 1640 नहीं है 640, याद रखना। ही वॉज रिसीव्ड बाई द किंग। सो देखिए चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑप्शन बी कुमार भास्कर बर्मन, याद रखना बर्मन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कुमार भास्कर बर्मन थे। और जो बर्मन डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश किया, वो पुष्य बर्मन जी ने एस्टेब्लिश किया, ये भी याद रखना आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 48, हु एमंग द फॉलोइंग फ्रॉम आसाम ज्वाइन द फेमस डांडी मार्च। डांडी मार्च 1930 को हुआ था, इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्ट मार्च भी कह सकते हैं या नॉन सॉरी सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट भी, याद रखना ये 1930 में हुआ था। सो देखिए आसाम से किसने मतलब कह सकते हैं हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो देखिए जो राइट आंसर का वो है ऑप्शन डी लीलाधर बरुआ। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट कनकलता बरुआ एंड मुकुंद काकोती वॉज शॉट डेड बाई पुलिस एट, जो कनकलता बरुआ एंड मुकुंद काकोती पुलिस ने मतलब गोली मारा, सो वो शहीद हो गए थे। सो कौन से जगह पे, सो राइट आंसर का ऑप्शन बी गोहपुर। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द आसाम रीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी, कौन से साल में आसाम रीजन मतलब सेपरेट हुए बंगाल प्रेसिडेंसी। सो राइट आंसर का ऑप्शन ए यानी 1874। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। और देखिए पूरा बहुत सारे वीडियो है मेरे स्पेसिफिकली आसाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो बीएड एंट्रेंस होगा वो आप लोग देख लेना, इसमें 2021 का क्वेश्चन भी सॉल्व पेपर है, 2022 का भी है और 2018 वाला भी है। सो आप लोग देख लेना एक बार जाके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।